पत्नी ने यौन संबंध में सहयोग देना चाहिए, इसके लिए क्या करें, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त आदमी हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज सुबह सुबह एक व्यक्ति की मेरी अपॉइंटमेंट थी। बिजनेसमैन है, काफ़ी सारा पैसा कमाता है, पैसे के मामले कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कंप्लेंट ये थी कि भाई मेरी उम्र 50 साल की है और हफ्ते में कम से कम एक बार मुझे यौन संबंध मतलब सेक्स करने की इच्छा होती है और पत्नी एक बार भी करने को तैयार नहीं होती। बोलती हो अभी क्या, बच्चे बड़े हो गए, एक बच्चा है 20 साल का, एक बच्चा है 18 साल का, अभी दोनों तो बड़े हो गए, अभी तो मैं थक जाती हूँ। और उसका कहना था वो कुछ ना कुछ बहाने बनाती और करती नहीं है, तो फिर अभी क्या करें। अब बोलता कि मुझे बाहर भी कोई संबंध रखना नहीं है क्योंकि मुझे अच्छा लगता नहीं है, मॉरली ठीक नहीं है, डर है मुझे कि भाई कोई सेक्स की बीमारी, लैंगिक बीमारी हो जाएगी, गुप्त रोग हो जाएगा या एड्स हो जाएगा, या फिर वो रखना भी अच्छा नहीं है, ऐसा बोल रहा हो। और मुझे क्या, सिर्फ हफ्ते में एक बार तो चाहिए, मैं थक के आता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ सवेरे से रात तक, और फिर मुझे जो चाहिए वो देती नहीं है। वो उसको मैंने बोला कि भाई उसको क्या चाहिए, पत्नी को क्या चाहिए, वो आपने पूछा कि नहीं। बोले उसको क्या पूछने का है, सब कुछ मैं देता हूँ उसको। मतलब भाई आप देते हो बराबर है, मगर उसको क्या चाहिए आपने पूछा क्या। आप देते हो, आपको जो चाहिए वो उसको देते हो, मतलब आप पैसा देते हो, आप जो खाना पीना लगता है उसके उसके लिए पैसा देते हो, वो ला के देते हैं, कपड़े ला के देते, घुमाने के लिए कहीं साल में 2 बार लेके जाते हो, मगर जो उसको चाहिए वो देते क्या आप। बोले क्या चाहिए, मतलब भाई आप उसको पूछो। क्या होता है कि ये कंप्लेंट काफ़ी सारे लोगों में रहती है। 50-55 साल की उम्र हो जाती है स्त्री की, जो माहवारी है, स्त्री की जो माहवारी है मेंस्ट्रुएशन, वो बंद हो जाती है और फिर उसके बाद में उसको लगता है कि अभी क्या, बच्चे बड़े हो गए, प्राइवेसी नहीं है, थक भी जाते हैं, तो अभी कुछ उसको मज़ा आती नहीं है। होता क्या है अक्सर, इसमें 2-3 बातें जरूरी है। एक तो पति पत्नी में कुछ दरार होंगी है ना, आपस में, रिश्तों में, तो फिर उसको वो सहयोग देती नहीं है। मतलब पत्नी के मन में पति के बारे में कोई खुन्नस है, या उसको लगता है कि ये आता है अपने फायदे के लिए, अपने मजा करने के लिए चले जाता है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है इसलिए, या उसको कोई शक आता है कि इसका कुछ बाहर है मगर वो बोलती नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ दोनों में दरार है, दूरी है, वो एक नहीं है। क्योंकि नहीं तो फिर समझो खुद की इच्छा भी नहीं है, मगर पत्नी का यदि पति के ऊपर प्यार है तो फिर वो तो हाँ बोलेंगी ही बोलेंगी, क्योंकि उसको तो प्यार है, तो प्यार में तो फिर पति बोलता है कि करो तो फिर वो तैयार हो जाएगी। मगर पति के बारे में कोई खुन्नस है, कोई गुस्सा है, फिर कुछ ऐसा संवाद है कि जो वो बोल नहीं सक रही है, बातचीत नहीं कर सकती है, कुछ दिमाग में चालू है और वो क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करती है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चालू है। हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में हो सकता है कि और खुद के रिलेशनशिप के बारे में हो, कि उसका खुद का कहीं और रिलेशनशिप है, या कहीं और खुद का कहीं मतलब मन बैठा हुआ है, क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि बोलता नहीं उसका फोन था, जो आज मैंने बताया उसका फोन था कि नहीं मेरे पत्नी को कुछ तो भी ऐसी दवा दो कि उसकी इच्छा हो जाए। मतलब देखो आदमी को मतलब मैन को, पुरुष को दवा है, वो दवा देके आप उसका लिंग की उत्तेजना उसकी कर सकते हैं, लिंग में कठोरता आती है, इरेक्शन होता है और वो कर सकता है। मगर ये जो दवाइयाँ हैं सिल्डेनाफिल जैसी या टाडालाफिल, ये स्त्रियों को देने के बाद में उनकी इच्छा होती कि नहीं होती ऐसा कुछ ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं, हो सकता है नहीं भी सकता है, क्योंकि उसका मेन काम क्या है कि लिंग में कठोरता लाना। अब स्त्री लिंग इतना छोटा होता है कि उसमें क्या कठोरता आएगी, तो फिर वो एक देखना पड़ेगा कि भाई आपसी रिश्ते में उनका क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, कभी स्त्री ने मतलब उसके पत्नी ने कभी संभोग में, सेक्स में कभी आनंद ही पाया नहीं है, कभी उसको आनंद मिला ही नहीं है। सेक्स क्या चीज रहती है, उसमें कितना आनंद होता है उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हो सकता है कि वो आता है, सेक्स करता है, उसका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, शीघ्र पतन, वो निकल जाता है, बाजू में हो जाता है, तो ये अभी मतलब चरम सीमा पे, उत्तेजना की चरम सीमा पे आने के लिए तैयार भी नहीं हुई, तब तक आदमी बाजू हो गया, उसका हो भी गया डिस्चार्ज, तो उसको मालूम ही नहीं है कि भाई उसमें उत्तेजना क्या होती है, कितनी मजा आती है, उसने कभी अनुभव किया ही नहीं है। दूसरा एक कारण होता है, कभी कभी ये उम्र में ऐसा होता है कि एक दो बार समझो नहीं हुआ सेक्स, तो फिर वो बोलती है कि वैसा भी तो आपका नहीं हो रहा है, फालतू काम धंधा मुझे आप तकलीफ देते हो, होता तो नहीं है, तो एक दो बार ऐसा हुआ होगा तो वो एक पास्ट क्रिएट हो जाता है और वो पास्ट से फिर वो तैयार नहीं होती है। तो मैंने उसको ये बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई मैं दवा दे दूँ आपके पत्नी को,
आपको दोनों को मेरे पास में आना पड़ेगा, हम सेक्स काउंसलिंग करेंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, दोनों में सेक्स में इसको मजा नहीं आए वो देखना है कि वो क्यों नहीं आई, या फिर आपसे रिश्तों में क्या है, या इसको कोई डिप्रेशन की बीमारी है, खुद को इसलिए भी ऐसा कर रही है क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर होता है कि इच्छा नहीं होती काम जीवन में, या कोई मानसिक तान तनाव टेंशन बीमारी है कि उसकी वजह से इच्छा नहीं हो रही है, क्या है क्या देखना पड़ेगा। तो हर बार मतलब जहाँ जहाँ पुरुष वर्ग को ये प्रॉब्लम है कि भाई पत्नी साथ देती नहीं है, वो इतनी इंटरेस्ट लेती नहीं है, इच्छा नहीं है, थक जाती है, बहाना बनाती है, तो आपको ये दोनों भी पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और कंसल्ट करना पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट को, साइकियाट्रिस्ट को या सेक्सोलॉजिस्ट को, कि जहाँ से आपका जो जड़ है वहाँ उसका इलाज हो जाएगा। दवा देना दवा दे दो, वो कोई उसका इलाज है नहीं है। तो ये वीडियो सभी 50 साल के ऊपर के लोगों को शेयर करो ताकि उनमें काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम आता है। और फिर उसमें ऐसा भी होता है कि फिर घर में कोऑपरेशन नहीं मिलता, फिर वो बाहर कहीं तभी उसका मन चले जाता है, फिर बाहर उसके संबंध बन जाते हैं और फिर उसमें और कॉम्प्लिकेशन तैयार हो जाता है। तो इसके बदले घर में यदि स्त्री ने अपने पति को क्या चाहिए और खुद को भी क्या चाहिए, खुद को कैसा आनंद मिलेगा, उसके लिए यदि कोशिश की या उसके लिए कुछ वे फाइंड आउट किया, तो दोनों का वैवाहिक जीवन जो है वो खुशी का होगा। तो सभी स्त्री और पुरुष वर्गों को ये वीडियो सर्कुलेट करो, शेयर करो, ताकि लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमारा जो मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लगेगा। थैंक यू वेरी मच।